हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट टाइम रेसिपीज। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड आपके साथ में दिवाली स्पेशल सेब की ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको मसाले वाले सेब कैसे बनाए जाते हैं इसकी पूरी रेसिपी देने वाली हूँ। अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 1 kg यहाँ बेसन लिया है। इसके बाद में हमें यहाँ हींग पाउडर लेना है। मैंने यहाँ 1/4 teaspoon हींग पाउडर ऐड किया है। इससे सेब का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम यहाँ 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है सेब का। इसके बाद में मैं यहाँ 1 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ 6 से 7 लौंग का पाउडर ऐड किया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ नमक ऐड करेंगे। नमक आपको 50 ग्राम ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1 kg बेसन के हिसाब से 50 ग्राम नमक ऐड किया है। ये परफेक्ट नाप है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। आप इसे पहले गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद में ठंडा करने पर ही इसको ऐड कीजिएगा। कच्चा ऑयल हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है और इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अब हम यहाँ पर अजवाइन ऐड करेंगे। 2 teaspoon यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है। इसे अच्छे से हथेली पर रख के क्रश कर लीजिए ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा आए और इसमें हमें इसे ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथना है। क्योंकि हमें इसको सॉफ्ट ही गूंथना है ताकि सेब बनाने में हमें दिक्कत ना आए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके का हमको रखना है। ना ज्यादा टाइट रखना है हमको, ना ज्यादा लूज रखना है। ये मीडियम तरह का होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने पहले से ही यहाँ ऑयल को अच्छे से गर्म करके रखा है। सेब बनाने के लिए ऑयल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और हम यहाँ पर एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। ये हमने बॉल डाली है, ये ऊपर आ गई है, इसका मतलब ये परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर मोल्ड रखेंगे। मोल्ड को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा है। उसके ऊपर अब हम यहाँ पर ये बैटर जो तैयार किया था वो रखेंगे और इस तरीके से सेब को निकालेंगे। सेब निकालते समय हमें फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद में हमें मीडियम फ्लेम पर इसको सेकना है, इसका ध्यान रखिएगा। आज मैं आपके साथ में हलवाई स्टाइल से जो सेब है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये घर पर, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये यहाँ पर। इस तरीके से इसको बनाना है मीडियम फ्लेम पर और इसको इस तरीके से पलट लीजिए। और जब हमारे सेब अच्छे से सिक जाएंगे तब ये हल्के होकर ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब ये हमारे परफेक्ट सिक चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे सिक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट बने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम दोबारा ऐसे ही इसको निकालेंगे सेब को। अच्छी तरीके से हमको हथेली से इस पे प्रेशर देना है। ये मसालेदार सेब जो हम घर पर बनाते हैं वो मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसे इस दिवाली के मौके पर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
आपके कमेंट मुझे इंस्पिरेशन देते हैं ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। इस तरीके से हमको मीडियम फ्लेम पर इसको सेकना है। ये देखिए, ये देखिए, ये सेक चुके हैं। सेकने के बाद में ये ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे और सारे सेव हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये तैयार है। ये लीजिए फ्रेंड, फाइनली हमारे मसालेदार सेव बनकर एकदम रेडी है खाने के लिए। तो इस दिवाली के मौके पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ फ्रेंड आपसे अपनी एक और न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम।